जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए तो फेलियर है ही होगी. इट्स लाइक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप आई वुड से. हाउ टू हैंडल फेलियर इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. यू नो मोस्ट लोगों का जिस कॉलेज में वो अप्लाई करते हैं उसमें नहीं होता जिसमें उनका मन होता है. मोस्ट लोगों की क्लास में वो रैंक नहीं आती जो वो चाहते हैं. तो शुरू से ही आप जिंदगी में फेलियर तो देखने लग जाते हो. लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग फेलियर से पहले ही बहुत डर जाते हैं. ये फीलिंग इतनी अनकंफर्टेबल कह दिया ना, एक तरह से करंट लगने वाली फीलिंग है, गंदा करंट. अगर आपको लगे कि मैं जिंदगी में जब जब कुछ चीज़ें ट्राई करनी होगी तो आपका फिर मन नहीं करेगा अगर आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर है. और जो अक्सर लोगों में आपको आपको सालों से लेकिन आप नहीं कर पा रहे और 10 बड़े वैलिड बहाने उनको अकाउंटिंग नहीं आती ना, मेरे को ये नहीं आता, नहीं आता, तो वो एक्चुअली वो फियर ऑफ फेलियर है. अगर करंट लग गया, अगर करंट लग गया, अगर करंट लग गया, अब ये लग तो सकता है पर इतना वालों की वो करंट ऐसा नहीं कि बढ़ जाओ, ऐसा वाला करंट नहीं है. हाँ कोई सब कुछ करते हैं और ये करियर में कितने मजबूर हो गए मेरे दोस्त दिन को. अरे यार 3 साल से मुझे उसको हमें किसने बोला कि आप जाओ और उसको हो सकता है मोस्ट लड़के इतने गंदे तरीके से नहीं से ओके यू वांट टू फिनिश यू भी अगर आप ब्रश है बहुत अच्छा कम से कम एक कोट तो बनी नहीं है रिजेक्ट और वो तो नहीं और तू चमन लाल रह गया सॉरी वंस अगेन रिमूव माय चमन लाल अनाउंस तू चमन लाल इसलिए कि तूने पूछा नहीं और बाइक वाला सैंडी आया और दे गया उसने तू बाइक वाला सैंडी बन गया तो क्यों चमन लाल रहता है तो ये मतलब क्यों क्यों मना कर दी सारी मना कर दुनिया की सारी लड़कियां मना कर और अगर सारी मना कर रही है ना इसका मतलब नॉर्मल ये है कि तेरी कोई औकात नहीं है तो औकात बना कि फेलियर से आप इतना डर जाओ कि लड़की से अप्रोच नहीं कर पा रहे बिजनेस नहीं खोल पा रहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे कुछ हो ही नहीं पा रहा आपसे क्योंकि आपको ये फियर ऑफ फेलियर है. आप बॉस को जाकर ये नहीं बता पा रहे कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ अपनी कंपनी में मेरा इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे ये हो गया तो नहीं हुआ तो किसी को पता इतना ज्यादा डर दैट्स नॉट गुड